देखिए, पहली बात तो मुझे अभी किसी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि वो उनके ट्वीट नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ ट्रेजेडी. आई थिंक इट्स अ ट्रेजेडी दैट अ 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल हैज टू टेक अ डिसीजन लाइक दैट. मीन्स आई डू रिस्पेक्ट हर हर सेंटिमेंट्स, आई डू रिस्पेक्ट इट्स हर इंडिविजुअल चॉइस, बट एज अ पर्सन आई फील it's sad that a 16 year old or 17 year old girl had to take a decision like this of a flourishing career, of a choice. Ek taraf se hum baat kar rahe hain women should women empowerment ki, ek taraf se hum baat kar rahe hain ki aisa nahi hai. To I think personally I feel it she should not have done that, but she is an independent girl and our country gives everybody a fundamental right to choose what they want to choose. But the fact that she has gone all out to sort of say that I'm doing it for religion or something like that, it's a certain amount of tilt which has gone into it. But she is most welcome to take her decision. I take it more as a sad, I felt sad when I read that. I felt that somewhere she had to take that decision. It is not her decision. Anupam sir, I have a question. Anupam sir, here. Sir, when I started to see you, you were very social, कुछ भी मतलब नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं. और जो आप बोल रहे हैं वो सच नहीं है भैया. नहीं नहीं, इसमें तो शायद आपने फिल्म नहीं देखी अभी, सिर्फ ट्रेलर से ही इस सवाल को निकाला है. ऐसा नहीं है. आई थिंक फिल्म एक जज की कहानी है, जो मेरा पर्सनली भी लगता है कि मैं हमेशा सोचता था कि जज जब डिलीवर करता है किसी भी वर्डिक्ट को, वो एक बाप भी होता है, एज ए पर्सन एक हस्बैंड भी होता है, एक भाई भी होता है. तो अगर उसको सबूतों की गैर हाजिरी में एक ऐसा वर्डिक्ट देना है जो वो पर्सनली एग्री नहीं करता, बट बिकॉज रूल बुक में रखा है, कानून के दायरे में रखा है, तो उसको वर्डिक्ट देना है. तो ये कहानी गांव में भी प्लेस हो सकती थी, शहर में भी हो सकती थी. एंड हाउ द क्राइम ब्रांच ऑफिसर कम्स, माउस कैट एंड माउस की स्टोरी है. तो इसको सोशली रेलेवेंट तो लेट होता है. सोशली रेलेवेंट ये इस हिसाब से है क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलीवर्ड डिनाइड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो बात अलग है कि जज अपने हाथ में कानून लेता है जो आम जिंदगी में नहीं हो सकता है, बट कानून के उस बात पर कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुकदमे लड़ते रहते हैं लोग बाग, पर ये उसकी पर्सनल जर्नी है और इनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, बेसिकली कहानी उसकी है. डरा रहे हो यार. Oh, yeah. Ma'am, please. Ma'am.